की तारीख है और कल है रक्षाबंधन का दिन, और ऐसे रक्षाबंधन के खास मौके पर अक्सर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा कवच बांधती है और उनसे वादा लेती हैं कि वो भी बहनों का उसी तरह से रक्षा करेंगी जैसे बहनों का ये कवच भाइयों की रक्षा करता है। इस बीच अक्सर हम कई भाई बहनों को मिसाल बनते हुए देखते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं, बहनों के लिए, बहन के लिए भाइयों ने बड़ा त्याग दिया। अब दिल्ली पुलिस की वर्दी में दिखेगी बेटी, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया ऑफर लेटर। जी हाँ, आज पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम गूंज रहा है, लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के फतेहाबाद के मधु शर्मा की कहानी उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनी जो आज अपनी बेटी के भविष्य को संवारने की कड़ी में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। मधु शर्मा अब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन चुकी हैं, लेकिन इस सफलता को पहुंचाने के लिए उसमें उनके परिवार ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में फतेहाबाद की मधु शर्मा को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑफर लेटर दिया। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार मधु ने बताया कि उसने गरीबी को करीबी से देखा है। उसके पिता प्राइवेट जॉब करते थे जिससे घर चलाना मुश्किल होता था, इस वजह से पढ़ाई पूरी करना भी मुश्किल था, लेकिन उसके सपने को पूरा करने में पूरा परिवार लग गया। आपको बताते चले कि ये कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है। मधु ने बताया कि आज वो जिस मुकाम पर पहुंची है उसके पीछे उसके पिता और उसके भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। उसकी पढ़ाई ना रुकी इसके लिए भाइयों ने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा, खुद तकलीफें सही लेकिन उसकी जरूरतों को पूरा करते गए। आज जब ऑफर लेटर मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मधु ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया और कहा कि उनकी सही नीतियों की वजह से ही उसे नौकरी मिली है। वहीं पीएम मोदी रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई सारी बातें भी की। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट मधु शर्मा को लेकर। आप सबको कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।